1,39,724 गाड़ियों की चेकिंग की गई है। 5,87,00,000 रुपया जो है चालान के रूप में जमा भी किया गया। देश में लॉकडाउन चल रहा है, पर इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने गाड़ियों की चेकिंग और उनके चालान को लेकर के जो आंकड़े जारी किए हैं उनमें एक बड़ा झोल है। ये बात तब सामने आई जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने आंकड़े जारी किए। नमस्कार, मैं हूँ विश्व गौरव और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। दरअसल बीते 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कुछ आंकड़े जारी किए थे। अवनीश अवस्थी ने बताया था कि लॉकडाउन के दौरान 10 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में करीब 1,39,00,000 गाड़ियों की चेकिंग की गई और 31,00,000 से ज्यादा गाड़ियों का चालान किया गया। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर 1,39,00,000 गाड़ियां 17 दिन के लॉकडाउन में यानी कि 10 अप्रैल तक सड़क पर थीं, तो आखिर लॉकडाउन को सफल कैसे माना जा सकता है। साथ ही जब 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने आंकड़े जारी किए तो हैरानी हुई, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़े जारी किए थे वो उत्तर प्रदेश पुलिस के आंकड़ों से करीब 10 गुना ज्यादा था। 14 अप्रैल को डीजीपी मुख्यालय ने जो आंकड़े जारी किए उनमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारियों ने यानी कि पुलिस कर्मियों ने 5,395 नाकों और बैरियरों पर करीब 16,50,000 गाड़ियों की चेकिंग की। इस दौरान 3,85,466 गाड़ियों का चालान किया गया। इतना ही नहीं, इस पूरे 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान 22,632 गाड़ियां भी सीज की गई। लेकिन जब 10 अप्रैल को अवनीश अवस्थी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने बताया कि 1,39,00,000 वाहनों की चेकिंग की गई। एक बार आप भी सुनिए उस दिन अवनीश अवस्थी ने क्या कहा था। गाड़ियों की चेकिंग भी बहुत जबरदस्त रूप से हो रही है। आपको मालूम है लखनऊ में भी गाड़ियों की अब चेकिंग बहुत तेजी से की जा रही है। कुल मिलाकर 1,39,79,724 गाड़ियों की चेकिंग की गई है। कुल इसमें से 31,00,000 गाड़ियां ऐसी हैं जिनका चालान किया गया है और 20,287 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। अब तक 5,87,00,000 रुपया जो है चालान के रूप में जमा भी किया गया है। अवनीश अवस्थी के मुताबिक 17 दिनों में 1,39,00,000 गाड़ियों की चेकिंग की गई, लेकिन जब 14 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस ने आंकड़े जारी किए तो साफ हुआ कि ये 1,39,00,000 गाड़ियों की चेकिंग नहीं थी बल्कि 16,50,000 गाड़ियों की ही चेकिंग थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस दौरान 31,00,000 गाड़ियों का चालान किया गया, जो भी एकदम गलत था, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो आंकड़े जारी किए उनके हिसाब से 14 अप्रैल तक सिर्फ 3,85,000 गाड़ियों का ही चालान किया गया था। यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़े जारी किए थे उनके हिसाब से और उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो आंकड़े जारी किए थे उनमें करीब 10 गुने का अंतर था। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी जो जानकारी दी गई वो भी हैरान करने वाली थी। इस सरकारी ट्विटर हैंडल से बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 1,39,00,000 गाड़ियों की चेकिंग की गई, 31,00,000 से अधिक गाड़ियों का चालान किया गया और करीब 8,00,00,000 रुपए चालान शुल्क के रूप में वसूले गए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आंकड़े सिर्फ 10 अप्रैल तक के हैं। अब सवाल यह है कि जब 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश पुलिस का डीजीपी मुख्यालय जब अपने आंकड़े जारी करता है तो उसमें बताता है कि केवल और केवल 6,84,00,000 रुपए ही वसूले गए हैं चालान शुल्क के रूप में। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या अवनीश अवस्थी ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि 5,00,00,000 रुपए का चालान शुल्क वसूला गया है तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक हैंडल से 8,00,00,000 रुपए वसूले जाने की बात कैसे सामने आई? क्या इन आंकड़ों की कोई चेकिंग नहीं होती? क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े देती है उनको फिर से वेरीफाई नहीं करती? आप एक बार फिर से सुनिए कि उस दिन अवनीश अवस्थी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था और उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुख्यालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनमें कितना अंतर है। गाड़ियों की चेकिंग भी बहुत जबरदस्त रूप से हो रही है। आपको मालूम है लखनऊ में भी गाड़ियों की अब चेकिंग बहुत तेजी से की जा रही है। कुल मिलाकर 1,39,79,724 गाड़ियों की चेकिंग की गई है। कुल इसमें से 31,00,000 गाड़ियां ऐसी हैं जिनका चालान किया गया है और 20,287 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। अब तक 5,87,00,000 रुपया जो है चालान के रूप में जमा भी किया गया है।
खैर, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप एनबीटी ऑनलाइन के साथ।